अभी हम पहुंचे हैं झारखंड महादेव मंदिर के रास्ते पर। सावन का महीना है, सावन का दूसरा सोमवार है। सावन के महीने में झारखंड महादेव मंदिर के पास सावन का मेला लगता है, वहीं का ये वीडियो बन रहा है। देखिए सावन का महीना है, दूसरा सोमवार है। हर सावन में झारखंड महादेव मंदिर के पास सावन के महीने में हर सोमवार को मेला लगता है, वहीं का ये वीडियो बना रहे हैं। वीडियो को पूरा देखना। अभी हम जा रहे हैं झारखंड महादेव मंदिर। सोमवार का दिन है, सावन का दूसरा सोमवार है। हर वर्ष सावन के महीने में हर सोमवार को झारखंड महादेव मंदिर के पास शानदार मेला लगता है, उसी का ये वीडियो बना रहे हैं। ये देखिए सावन का महीना है, सावन का दूसरा सोमवार है। रूह अफ़ज़ा का ठंडा पानी की व्यवस्था की गई है। सभी मंदिर मेले में या मंदिर में आने वालों को रूह अफ़ज़ा का ठंडा पानी पिलाया जा रहा है। ये देखिए पूरे के पूरे भरे हुए हैं रोज जाके। सभी मेले में आने वाले व झारखंड महादेव मंदिर में जाने वालों के लिए रूह अफ़ज़ा ठंडे पानी की व्यवस्था है। देखिए मैं आपको पूछूंगा, आप बता दें। हर वर्ष सावन के महीने में प्रत्येक सोमवार को झारखंड महादेव मंदिर के पास ये मेला लगता है। आज सावन का दूसरा सोमवार है और ये बहुत ही शानदार मेला लगा हुआ है। ये राठी परिवार की तरफ से रूह अफ़ज़ा का ठंडा पानी आने वालों के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की हुई है। देखिए रूह अफ़ज़ा बहुत ही शानदार भाटी परिवार की तरफ से व्यवस्था की गई है।
घर चले गए क्या? बहन जी आपका शुभ नाम बताओ, नाम बताओ। ये जो सावन के महीने का दूसरा सोमवार है और झारखंड महादेव मंदिर में हर बार मेला लगता है, ये जो रूह अफ़ज़ा ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है ये किसकी तरफ से होती है? हर बार भाटी परिवार की। भाटी परिवार की? सतीश जी भाटी। अच्छा अच्छा, भाटी जी गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। गायत्री परिवार की तरफ से क्या? भाटी जी की उनकी तरफ से। ये देखिए भाटी जी की तरफ से है जो गायत्री परिवार से भी जुड़े हुए हैं और जितने भी आने वाले हैं सभी को। ये देखिए ये जो भाटी जी की मिसेज है उनसे भी बात करवाता हूँ। क्या नाम है जी आपका? उमा भाटी। उमा भाटी जी हैं। ये जो सावन के महीने में यहाँ झारखंड महादेव रास्ते में मेला लगता है ये आप कब से? ये 8 सालों से लगातार लग रहे हैं। 8 सालों से लगातार सावन के महीने में और शिवरात्रि के समय में। और आप हर मेले में हर सोमवार को ये रूम जाके पानी की व्यवस्था रखते हो? ये पानी की व्यवस्था रहती है, साथ में किताबें भी रहती है ताकि बच्चे और जो भी आने जाने वाले हैं उन तक अच्छी किताबें हंसते कुछ ये फ्री है या नहीं? ये फ्री नहीं है, इनका चार्ज? हाँ इनका चार्ज है, मतलब मात्र नॉमिनल प्राइस है। नॉमिनल अच्छी किताबें हम लोग जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। और ये श्री राम शर्मा जी आचार्य द्वारा लिखी पुस्तकें हैं जो सबके जीवन को उत्थान करने के लिए बहुत सार्थक किताबें हैं। आप सावन के महीने और शिवरात्रि के समय लगाते हैं? हाँ। ये देखिए बहुत ही शानदार व्यवस्था है भाटी परिवार की तरफ से। ये व्यवस्था है सावन का दूसरा सोमवार है और सभी आने वालों को बिल्कुल ठंडा रूह अफ़ज़ा का पानी पिलाया जा रहा है। हमने भी टेस्ट किया है, बहुत ही शानदार और बहुत ही स्वादिष्ट रूह अफ़ज़ा का शुद्ध पेयजल है। महात्मा गांधी है।